गिरिराज रसोई हेल्थ भी और टेस्ट भी में मैं रेखा मित्तल आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को ऑरेंज मामलेट बनाना बताऊंगी और अपने गार्डन से फ्रेश ऑरेंज तोड़ के। तो चलिए आइए हम पहले ले लेते हैं ऑरेंज। देखिए आप ये माल्टा ले सकते हैं, किन्नू ले सकते हैं और संतरे ले सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं कि मेरे गार्डन में फ्रेश फ्रेश है। तो मैं ये ले रही हूँ, छोटे छोटे संतरे हैं, मैं इनसे बनाऊंगी। ये देखिए, घर के चीज का फ्रेश फ्रेश बनाना बिना प्रिजर्वेटिव के बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, तो ऑरेंज मामलेट बनाने के लिए हमें बस ये तीन चीज़ें ही लगेंगी, ये संतरे, चीनी और नींबू। और ये कितना लगेगी चीनी ये मैं बताऊंगी, क्योंकि हम संतरे की तीन चीज़ लेंगे, इसका जूस लेंगे, अंदर संतरे की फांक निकाल के वो भी डालेंगे और थोड़ा सा ये छिलका लेके इसका जेस्ट भी डालेंगे। तो हम उसका वजन करेंगे, जितना उसका वजन आएगा उतनी ही हम चीनी लेंगे। तो चलिए पहले जूस बना लेते हैं, उसके लिए हम संतरे काट लेंगे। संतरों को अच्छे से मैंने धो के पोंछ लिया था। इसका ये जो गूदा निकलता है ये भी ले लेंगे, इसमें काफी फ्लेवर होता है। लास्ट में हम एक पतले कपड़े में करके इसे भी छान के ले लेंगे। अब ये देखिए, हम ये जूस ले लेंगे, ये जितना जूस है ये ले लिया, और ये इसमें बहुत फ्लेवर है तो इसको भी ले लेंगे। एक कपड़ा रखेंगे और ये इसमें निकाल लेंगे और इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये भी निकाल लिया, निचोड़ लिया। अब ये जो है इसे फेंक देंगे। इसके अलावा हम जे मैंने एक संतरा छील लिया है, अब जैसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं ना, बिल्कुल इसका ये छिलका छील देंगे, ऐसे छिलका निकाल के अच्छे से और ऐसे पल्प अंदर डालेंगे। ये कड़वा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा कि ये छिलका संतरे ऐसे वाले लीजिएगा जिसका छिलका आसानी से निकल सके। जैसे मौसम्बी वगैरह में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन संतरे का हम आसानी से निकाल देते हैं। ये पीछे से भी ये देख रहे हैं ना, ये पोर्शन कड़वा लगता है, तो इसे छील के ऐसे पूरा एक संतरे का हम फांके डाल देंगे। अब ये देखिए, संतरे की फांके भी मैंने इसमें अंदर डाल दी। अब ये देखिए, ये छिलका है तो हम इसका ये वाइट पोर्शन बिल्कुल निकाल देंगे। देखिए जैसे ना ये ऑरेंज दिखने लगे, ये कड़वा होता है, ये बिल्कुल नहीं लेंगे। जेस्ट लेने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। ये देखिए मैंने ये निकाल दिया, देखिए अंदर से बिल्कुल ऑरेंज दिख रहा है, ऐसा कर लेंगे। और या तो फिर और इसे कट किया तो एक तरीका है, पतला पतला एकदम फाइन काट के ले लेंगे। आप लंबा काट सकते हैं, छोटा भी काट सकते हैं, मामलेट का मजा इसी से आता है। ये देखिए ऐसे जूलियंस निकाल लेंगे इसके छिलके के, ऐसे बारीक बारीक काट के एकदम पतला ऐसे आने चाहिए। और ये अंदर का वाइट पार्ट निकाल के ये जो इतना तक कर दीजिए, बिल्कुल ऑरेंज दिखे। एक तरीका और बताती हूँ, ये कठिन लगे, कई छिलके ऐसे होते हैं जिससे ना निकले,
तो आप एक काम और कर सकते हैं, ये देखिए एक पूरा संतरा लीजिए और पीलर से एकदम मोटा नहीं पतला सा, मैं एकदम पतला निकाल रही हूँ, हाँ ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल ऑरेंज पार्ट दिख रहा है ना, तो फिर और फिर इसे हम कट करेंगे, ऐसे भी कट कर सकते हैं छोटा छोटा, ये ऐसे लेके ऐसे आप अपने, ये देखिए एकदम, ये ज़्यादा इजी तरीका है। एक तो ये दिखा है यहाँ से बाइट निकाल के, एक ये देखिए एकदम ऑरेंज पार्ट है, तो उसको लेके आप ऐसे लंबा कट करिए या छोटा छोटा ऐसे कट कर लीजिए। आपसे नहीं कट रहे तो आप कैंची से भी काट सकते, बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ का वाइट पार्ट पूरा निकाल दिया, इस तरह फाइन काट लीजिए। मैंने दो तीन तरीके बता दिए हैं बनाने के, जो आपको सही लगे वो तरीका आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने काट लिए हैं, अब ये भी इसमें मिला देंगे, तो जूस एक संतरे के पाके और ये जेस्ट, आप कम भी डाल सकते हैं, मैं ज़्यादा डाल रही हूँ इससे टेस्ट आता है। अब इसमें हम एक नींबू का रस भी मिला लेंगे, ये मेरा अच्छा खासा बड़ा नींबू है, लगभग 1 से 2 टेबल स्पून। अब इसका क्या हम वजन करेंगे ये कितना है, ये देखिए मैंने इसको 0 पे सेट किया है, अब मैं सारा इसमें डाल रही हूँ, ये संतरे की फांके, संतरे का रस और संतरे का छिलका, जेस्ट जिसे कहते हैं, लेके 420 ग्राम तक है, 419 420, तो इतनी ही हम चीनी ले लेंगे, चीनी भी डाल देते हैं इसी में ही, और लगेगी 840 कर लेंगे, ये 800 हो गया है ग्राम, तो 420 ग्राम ये टोटल था और मैंने 400 ग्राम शुगर, अब थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं, मैंने थोड़ी सी कम ली है। अब चलिए गैस पे चलते हैं और एक बड़े बर्तन में रख के इसे पकाएंगे, मैंने ब्राउन शुगर ली है, नॉर्मली इसमें वाइट शुगर डालते हैं तो इसलिए थोड़ा कलर में फर्क आएगा। गैस पे एक स्टील का मैंने बर्तन लिया है, थोड़ा बड़ा ही लीजिए और उसमें ये डाल देंगे, अब हम इसे कंटिन्यू पकाएंगे, तेज गैस पे ही मैं पका रही हूँ लेकिन लगातार चलाते जाएंगे। कितना पकाना है ये भी मैं बताऊंगी, कैसे चेक करेंगे, अभी तो लगभग 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट इसे पकाने में, पहले सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और फिर हमारी ये ऑरेंज मामलेट गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। साइड से छुड़ा लेंगे चीनी, अभी तो चीनी मेल्ट हो रही है तो और पतला हो गया है, अभी मुझे पकाते पकाते 10 मिनट हुए हैं, ये देखिए अब पूरी चीनी मेल्ट हो गई है और ऊपर आ रहा है बार बार, तो इसलिए मैंने आपको बड़ा बर्तन लेने बोला था ताकि ये बाहर ना निकल जाए, इसलिए मैंने काफ़ी बड़ा स्टील का बर्तन लिया है और उसमें हम ऐसे पकाते रहेंगे, थोड़ा स्लो कर रही हूँ ताकि ये बाहर ना निकले। मुझे पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं, अभी पतला है और 5 मिनट लगेंगे, इसे कैसे चेक करेंगे मैं बताऊँगी, और देखिए टाइम थोड़ा 5-7 मिनट आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अमेरिका में गैस की फ्लेम इतनी तेज़ होती है, ये देखिए हाई बहुत तेज़ है और इंडिया में इतनी तेज़ नहीं होती, तो थोड़ा समय कम ज़्यादा हो सकता है। इसे चेक करने का तरीका मैं बताती हूँ, मैंने गैस को एक बार स्लो कर दी है या बंद ही कर दीजिए, ये देखिए झाग झाग हट गए, इसको थोड़ा सा इसमें लेंगे, ये ऐसे प्लेट में लिया और इसको 5 मिनट फ्रिज में रखूंगी और फिर बहा के देखूंगी, अगर बह रहा है नीचे की तरफ तो इसका मतलब थोड़ा और पकाओ, और नहीं बह रहा है तो ये बन गया, क्योंकि ये थोड़े जब ठंडा हो जाएगा और 1-2 दिन बाद और गाढ़ा हो जाएगा, तो बहुत गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ। ये देखिए ये अभी बह रहा है, मतलब ये ऐसे नीचे बहना नहीं चाहिए, तो 5 मिनट में और पकाऊंगी।
तेज गैस पे ही हम 5 मिनट और पकाएंगे और फिर रख के देखेंगे। ये नहीं बह रहा है तो बस बंद कर देंगे। कभी कभी गैस पे लगेगा ये पतला है, लेकिन वो एकदम ठंडा होके गाढ़ा हो जाता है और 5-6 दिन बाद तो और गाढ़ा हो जाता है। ये मेरे को, मैंने गैस जरा बंद किए, मुझे पकाते हुए टोटल 25 मिनट हो गए हैं और मैंने हाई फ्लेम पे ही पकाया है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और अब इसको मैं थोड़ा सा ले रही हूँ और इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। ये देखिए अभी भी बह रही है, लगभग तैयार है, 5 मिनट और पकाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस बंद कर दी है। आपको ये पतला लगेगा लेकिन इतने में ही बंद कर देनी है। मुझे 30 मिनट्स लगे। अब देखिए मैं पूरी प्लेट उल्टी कर रही हूँ। ये देखिए ये ऐसे कर रही हूँ तो भी नहीं बह रहा है, पूरा उल्टा कर रही हूँ नहीं बह रहा है। ये देखिए देखिए पूरी प्लेट टेढ़ी कर दी लेकिन बिल्कुल नहीं बह रहा है। तो हमारा ये बनके जैम तैयार हो गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। यहाँ पे आपको लगेगा कि अरे ये तो कितना पतला है, लेकिन ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसे ठंडा करके कांच के जार में भर लेंगे। ये जेस्ट भी इसमें खाने में आएंगे तो बड़े अच्छे लगेंगे। आइए अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं। तो इसे मुझे बनाने में टोटल 30 मिनट्स लगे, 25 to 30 मिनट्स, लेकिन हो सकता है आपको 35 मिनट्स भी लगे। बस इसकी पहचान यही है कि आपको ये चेक करना है, ये प्लेट सीधी है और ये ऐसे करने पे ये बिल्कुल बह नहीं रहा है। अभी भी ये हल्का गर्म है, लेकिन मैं इसे एक कांच के जार में, जिसे मैंने स्टरलाइज कर लिया है, उसमें भर के रख रही हूँ। और ये लगभग बना है 500 ग्राम के करीब। अभी तो हल्का गर्म ही है, जब इसे हम फ्रिज में रख देंगे तो 1-2 दिन बाद और गाढ़ा हो जाएगा। ये होममेड पाव है, मैंने ब्रेड बनाने की रेसिपी भी दी है। आप देख सकते हैं मैं बाजार से कुछ नहीं लेती, सब चीज़ें घर पे ही बनाती हूँ। तो आप इसको ये देखिए परफेक्ट स्प्रेड करके बच्चों को दीजिए, आप खाइए। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनता है और इसको आराम से आप फ्रिज में 6 महीने 1 साल रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा। अब आप भी इसे ट्राई करिए। और इसी तरह और फ्रूट्स के भी हम बना सकते हैं। आपको मिक्स फ्रूट जैम चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सबसे शेयर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसी एक और मजेदार रेसिपी के साथ। हरे कृष्णा।